हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज हलवा की रेसिपी, मतलब संतरे का हलवा। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खट्टा मीठा सब फ्लेवर इसमें आता है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संतरे का हलवा बनाने के लिए हमें लेने होंगे सूजी, 3 संतरे का पल्प जिसे मैंने मिक्सर जार में पीस लिया है, घी, मिल्क पाउडर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। संतरे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेंगे और गर्म होते ही हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो अब ये घी गर्म हो चुकी है, हम इसमें सूजी डाल लेते हैं और इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें सूजी को 3-4 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है या जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं सूजी की कलर हल्की सी चेंज हो गई है। थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं और 1 मिनट तक फ्राई करते हैं। तो ये देखिए सूजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ये संतरे का जूस डाल देंगे और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और मिला लेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। संतरे का जूस बनाने के लिए मैंने पहले संतरे में से इसका बीज निकाल लिया है, फिर इसका पल्प को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। तो अब सारे संतरे का जूस डाल लेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इन सब के साथ मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को अच्छे से हमें सूजी में मिलने तक मिक्स करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं कम या ज़्यादा, आपको जितनी मीठी पसंद है आप उतना ही चीनी लीजिए। और क्योंकि संतरे में भी हल्का मीठापन होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चीनी ले सकते हैं। तो अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सूजी में। जब तक चीनी अच्छे से इसमें घुल ना जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें फिर 1 टेबल स्पून लगभग घी ऐड करेंगे और इन सब के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी घी डालने से ये हलवा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप भी ज़रूर डालें अभी घी को। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं और ड्राई फ्रूट को मैंने बारीक कर लिया है। मैंने बादाम और काजू का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, ये देखिए नेचुरल ऑरेंज कलर आया है। तो ये हमारा संतरे का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स।